अलग आपको अपडेट देने जा रहे हैं। अपडेट देने जा रहे हैं पटना में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है उसका। अभी हम प्रेमचंद रंगशाला के पास हैं और रंगशाला में प्रवाज नेशनल थिएटर फेस्टिवल चल रहा है जिसकी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। साथ ही जो रंगशाला का लुक है वो भी आपको दिखाएंगे। मंच पे नाट्य प्रदर्शन तो होगा ही लेकिन नुक्कड़ नाटक का भी प्रदर्शन होगा और उसमें नाट्य शिक्षक की बहाली करो नुक्कड़ नाटक है। हम आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ उसमें है। सबसे पहले आप देखिए प्रेमचंद रंगशाला का ये दृश्य। ये नाटक करने वाले ये रंगकर्मी जो आपको नाटक दिखाते हैं बहुत कुछ बताते हैं बहुत कुछ समझाते हैं समाज के बारे में। ए ढोलक ढोलक हो गया भैया हो गया। ये हीरा भाई है बहुत बड़े रंगकर्मी है और मिथिला यूनिवर्सिटी से नाटक का डिग्री लिए हुए हैं BA MA कर चुके हैं लेकिन देखिए इनको समझ में नहीं आ रहा हम बोल रहे हैं तो घोटे जा रहे हैं। अरे भाई घोटने का मौका मिलेगा। ये जो नाटक कर रहे हैं उसके वो म्यूजिक व्यूजिक सब वही देखते हैं। कहने का मतलब है कि हम रंगकर्मी जो नाटक करते हैं समाज में क्या हो रहा है उसको दिखाते हैं लेकिन इन रंगकर्मियों के साथ क्या हो रहा है ये कोई नहीं दिखाता। Thank you.
तेरा साल, ¡Gracias!
धन्यवाद। तो लीजिए लोग प्रस्तुति नाट शिक्षक की बहाली। अरे चला भैया मिलके, ओ चला बहना मिलके, लोग पंच के नाटक दिखाई बे हो। चला भैया मिलके हो, डायरेक्टर भैया नहीं आ रहे हैं तो आप बन जाइए नाटक का डायरेक्टर। मतलब डायरेक्टर साहब नहीं आ रहा तो हम नाटक के डायरेक्टर बन जाए। तो चार दिन बाद नाटक है। सबसे अगला पगला हम ही को समझे हो का कि हमको डायरेक्टर बना दो और उसके बाद तुम लोग खखोरते रहो पेरते रहो। कोई नहीं आपको यहाँ सर हम बात करते, हमको नहीं पता है कि जो डायरेक्शन करता है डायरेक्टर के क्या हाल होता है। ये सब तुम अपने समझो, कोई सीन करने के लिए कहोगे तो सीन कर देंगे। डायरेक्टर हाँ दिमाग खराब है रे। चार दिन बाद नाटक अभी आप सबसे सीन। अरे चार दिन बाद हो या चालीस दिन बाद हो हम डायरेक्टर नहीं बनेंगे। बोल दिए भैया भैया नाटकवा जरूरी है, चार दिन बाद नाटक बन जाइए ना बन जाइए। अरे तू नाटक में रोल दे दो ना, जो डायलॉग बोलोगे बोल देंगे। अगला नाटक में रोल दे देंगे इसमें। नहीं हम डायरेक्टर नहीं बनेंगे बउआ। रुको जरा सोचने दो। बड़ी टेढ़ा कम है डायरेक्टर बनने का। तुम मुंह टेढ़ा करके कह रहे हो तो हम बन जाते चल रहे। मंजूर है। चलो हम तुम्हारे नाटक का डायरेक्टर बन गए, लेकिन सीन वही वाला करेंगे उस दिन जो छूटा हुआ था, ठीक है? और अगर गड़बड़ किए तो लात मार के भाग जाएंगे, ठीक है? तो ऐसा करो उस नाटक में तुम बेटा बन जाओ, ठीक ना? लगभग करते हो। और सुन तू कैसी बनेगा? अब बात नहीं लग रहा मोचू। हाँ मोच पर ताओ झगड़वा ना, तू बात बन जा बात। रे देखे चला लफुआ टाइप के लेकर रंग मच। तू ऐसा करो गुंडा बन जा। तू क्या बनेगा बुआ? अब हम पुलिस बनेंगे। हम लाठी उठी है? हाँ सब है, रखे हो ना? हाँ। चलो ठीक है तो ये सब बन जा, कुर्सी उर्सी रखे हो मास्टर के बैठा। भैया ये वो खाली मेरा बात सुन लीजिए। सुना जब हम लोग डायरेक्टर बनिए गए तो बात सुनने तो काम है। सुना जब हम लोग बीच में रिहर्सल करेंगे आपको टोकना नहीं होगा। भले लास्ट में बोलिएगा जितना बोलना, भले लास्ट में आप जो कीजिए। फंसा दिया हम, समझ गए। कहे का मतलब जब सब खराब करेगा तो करेजा पर पत्थर रख करके चुप रहिए, नाटक खत्म होने के लिए तब ठीक है बेटा, हम नहीं कुछ बोलेंगे। लेकिन उसके बाद जब खराब करोगे गंदा करोगे तो क्या हाल करेंगे तुमको पता चल जाएगा। अच्छा चलो चलो ठीक है, तैयार हो? हाँ भैया तैयार है। एकदम एनर्जी से करना, जी भैया। ठीक है चलो शुरू करो शुरू करो शुरू करो, मन लगा के करना और थोड़ा सा धीरे धीरे ज्यादा फास्ट में रखना, आराम से। अमेरिका के लफा के ठंडा ठीक है। चलो स्टार्ट। पटना में भूकंप से 5 लोग मरे, 3 घायल। चाबी निकालो। चाबी नहीं है। नहीं है तो ये लो, ठाए 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 तो ये लो। आए 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 बाबू जी।
का बोल रहा है। हाँ सुनिए ना, हमारे बाबूजी का मर्डर हो गया, आप जल्दी आइए। ठीक है आप फोन रखिए, हम अभी आते हैं। ठाक ठाक चोर ओए। ये तुम्हारे बाबूजी हैं? और नहीं तो क्या, आपके बाबूजी हैं। लगता है इन्हें कोई बुरी तरह मारा है। हाँ अब तो चलना पड़ेगा। कहाँ? थाने। थाना? थाना कहाँ है? अरे रिपोर्ट लिखाने। रिपोर्ट लिखाने थाना जाए पड़ेगा। अरे रिपोर्ट लिखा नीचे ना तो खत्म गिरा दिया ना तो क्या रे कन्या किए तो बेटा बना है ना रे। हाँ। कौन मरा है? बाबूजी। तो बाप मरेगा तो रोएगा नहीं रे। रोएगा नहीं, नहीं। बाप ने मरा तुम्हारा रे। रोएगे, रोएगे। बाप मरा रहता है तो ऐसे आदमी बोलता है? दो सबसे ना होगा नाटक। चलो देखते हैं कैसे रोता है। बाप मरा है खा रहा है। चलो शुरू करो। सब्सक्राइब कीजिएगा। पटना में भूकंप से 5 को मर गया। नौकर बाप मरा है। घायल हो गया। चाबी निकालो। चाबी ना हमारे पास। ना है तुम्हारे पास तो ये लो। खाए खाए खाए। अच्छा है तो ये ले। आए आए बाबूजी मर गए। अब तो पुलिस बुलाना पड़ेगा। सिपाही पुलिस रहता है गुंडा को सब खुश होकर कहना चाहिए ला रो बंद करो। तू अच्छा नहीं है। अभी अभी तू अच्छा नहीं है। तू बंद करो। अभी बंद करो। अरे 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 चलो अरे नीचे कर रहे अरे नीचे कर नीचे कर। अरे बाप रे बाप। अबे 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 जब परिस काउंसिल डायरेक्टर बनने में इसीलिए हम नहीं बन रहे थे, आप लोग के कहने पर बन गए। चल आखिरी बार करेंगे। आखिरी बार नहीं तो कुंदनमा को बुला के धान झाड़ देंगे। दोनों कुंदनमा को बुलाएंगे, गेट वाला कहीं बनाएंगे, नाटक वाला कहीं बुलाएंगे। और तू और नाटक करेगा बिजली बत्ती काट देंगे बेटा। अंधेरा में नाटक करना पड़ेगा। बोल देना चलो शुरू करो। अब पटना में अब भूकंप से 5 को मर गया और 3 को घायल हो गया। चाबी निकालो। चाबी तो हमारे पास नहीं है। नहीं है तो ये लो। ठाए 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 तो ये लो। आए आए बाबूजी मर गए। अब तो पुलिस बुलाना पड़ेगा।
कौन बोल रहे हैं? अरे हम तो पुलिस से बोल रहे हैं। कहाँ से बोल रहे हैं? अरे महाराज मुँह से तो बोल रहे हैं। हमारे बाबूजी का मर्डर हो गया, आप जल्दी आइए। अच्छा ठीक है, आप फोन रखिए, हम अभी आते हैं। यही तुम्हारे बाबूजी है? और नहीं तो क्या, आपके बाबूजी है। अरे इन्हें तो कुछ बुरी तरह से मारा है किसी ने। अब तो चलना पड़ेगा। कहाँ? थाने। थाने कहाँ है? खबरदार, आज के बाद हमारा कोई डायरेक्टर बने ना बोला तो, आज के बाद आज हम इन नाटक का फाटक हमेशा के लिए बंद कर दे। कि आप देखें कितना मेहनत करना पड़ता है। हम बोल रहे थे हमको डायरेक्टर नहीं बनाइए, प्राण ले लिया। खैर ये हम रंग कर्मियों का काम है कि आपको हंसाए, आपको दुखाए। अब ऐसा बात नहीं कि खाली हंसाने करते, कई बार हम आपके दुखती रगों पर उंगलियां रखते हैं जहां आप सोचने पर विवश हो जाते हैं। यही काम है, मुख्य काम हमारा यही है। आइए बिहार के दो प्रकरण जो बहुत बड़ा घटना हर लोग जानते हैं उस पर नजर डालते हैं। एक, आज से तकरीबन 5.5-6 महीना पहले महात्मा गांधी सेतु से एक स्कॉर्पियो गंगा नदी में गिरा जिसमें एक बच्चा भी सवार था। लगभग 15 दिन महीने भर के खोजबीन के बाद ये कहा गया कि भाई खोजना मुश्किल है, खोजबीन बंद। लेकिन हम लोग के नाटक के कारण फिर सुने हैं खोजबीन जारी है। दूसरा घटना, आज से लगभग 30-31 दिन पहले पटना के पुनाई चक में दीपक नाम का एक बच्चा खुले गटर में गिर गया। 7-8 दिन का खोजबीन चला, उसके बाद कहा गया कि गटर बहुत लंबा है, बहुत खोल है, नहीं खोजा जा सकता है, और उस खोजबीन को बंद कर दिया। कहने का मतलब ये सिस्टम है, हमारा बिहार है, ऐसे ऐसे होता। तो आइए हम नजर डालते हैं गड्ढे में गिरे उस बच्चे के प्रकरण पर। अरे अंदर कौन है? अरे आवाज जा रहा है अंदर? हाँ सर। अरे कहाँ हुआ, बच्चा दिखा कि नहीं अभी? नहीं सर, अंदर बहुत अंधेरा है, खाली बोतल है। अरे पागल, बोतल नहीं खोजना, बच्चा खोजना, बच्चा नहीं दिख रहा है? नहीं सर। अच्छा टीम बुलाना पड़ेगा क्या? हाँ सर, 10-15 आदमी और चाहिए, टीम भी चाहिए। अच्छा और कुछ चाहिए? हाँ सर, एक ऑक्सीजन मास्क और लाइट। हाँ ठीक है, तुम खोजो, तब तक हम सर को फोन करते हैं। ठीक सर। हाँ सर, पुनाई चक में दुर्घटना हो गया सर, बच्चा नाले में गिर गया सर। हाँ सर, SDRF टीम आई है सर, लेकिन इसे नहीं हो पा रहा सर, NDRF टीम भी भेजनी पड़ेगी। हाँ सर, एक ऑक्सीजन और लाइट भी सर। ओके सर, जय हिंद। महाराज आप लोग पीछे रहिए, चलिए सर आ रहे। नमस्कार, मैं हूँ लोकपंथ न्यूज से प्रभात गुप्ता जी। आइए आपको लेकर चलते हैं एक सनसनीखेज खबर की तरफ। जी हाँ, पटना के एक मोहल्ले पुनाई चक में एक दीपक नाम का बच्चा खुले गटर में गिर गया। आइए आपको लेकर चलते हैं उस जगह पर और बात करते हैं वहाँ के लोगों से। जी बताइए क्या हुआ यहाँ पर? क्या बताया बोले, एक मिनट एक एक करके बोलिए, आप बताइए क्या हुआ? अरे गड्ढे में बच्चा गिर गया, 9 दिन से गिरा हुआ है। सरकार क्या कर रही है, पूरा पटना में गटर खुला हुआ है। एकदम सही कह रहा है, खाली इलेक्शन में हाथ जोड़ कह जाएंगे कि वोट दीजिएगा, वोट दीजिएगा, वोट दीजिएगा, गड्ढा गिरा ले कौन देखेगा है? जी आप तो बच्चे को ढूंढ रहे हैं, कुछ मिला आपको? देखिए ये जो गड्ढा है, इस गड्ढे के अंदर से बहुत सारी सुरंग निकली है, हमारी खोजबीन जारी है और जारी रहेगी। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, ग्रामीणों में काफी आक्रोश है और उनका कहना है कि बच्चे को घिरे हुए लगभग 6 साल हो चुके हैं, SDRF NDRF की टीमें आ चुकी है, बच्चे की तलाश जारी है, पर अभी तक कुछ भी नहीं मिल पाया है। और अभी अभी मिली जानकारी के अनुसार मंत्री जी यहाँ पर आने वाले हैं। जी हाँ, जैसे ही मंत्री जी यहाँ पर आते हैं, हम मंत्री जी यहाँ पर आते हैं। आइए बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस घटना के बारे में? देखिए ये जो घटना है, ये घटना बहुत ही दुखद घटना है। इस घटने से मैं बहुत ज्यादा आहत हूँ। मेरे तरफ से तमाम SDRF NDRF की टीम लगी हुई है और खोजबीन जारी रहेगी।
जी, और जनता में काफी आक्रोश है, उनका कहना है कि शहर में इस तरह के और भी गटर खुले पड़े हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनता का जो आक्रोश होना है वो वाजिब है, वो रहेंगे ही, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आगे जितने भी गड्ढे हैं उसको ढक दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। मंत्री जी, जैसा कि आप लोगों ने देखा, मंत्री जी यहाँ पर आए और हमेशा की तरह एक वादा, एक आश्वासन देकर चले गए, लेकिन ऐसी घटनाएं सिर्फ वादा और आश्वासन देने से खत्म नहीं होती। जी हाँ, लोकतंत्र आपको बताता है इस घटना की सच्चाई, और इस घटना की सच्चाई ये है कि दीपक नाम का बच्चा जो गटर में गिरा था, लगभग 8 दिनों तक उसकी खोजबीन की गई और अंततः उस खोजबीन को बंद कर दिया गया, और यह बताया गया कि गड्ढा काफी गहरा और अंदर से बहुत सारा सुरंग निकलने के कारण बच्चे को ढूंढना नामुमकिन है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ लोकपंच न्यूज से, प्रभात का धन्यवाद। और इसी के साथ प्रभात, धन्यवाद बउआ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गरुड़ छू लो, देखो, हेलो, अच्छा माइक भी है, बहुत अच्छा लगा। इस तरह के मंच पर आते हैं ना तो हमको ये लगता है कि 100-150 वोट मेरा पड़ जाएगा। जब जब चुनाव होता है ये बच्चा लोग हमारे साथ नुक्कड़ नाटक करता है, पैसा नहीं देते। गुस्साई हुई है, इस बार उबला क्लियर कर देंगे। तो हम बच्चा लोग को ले जाते हैं, नाटक करवाते हैं, और नाटक से बहुत अच्छा प्रचार प्रसार होता है। अब मानिए, जैसे ये भैया देर से सुनते हैं, नाटक देख के तुरंत सुन जाते हैं, समझ जाते हैं और वोट भी दे देते हैं। हमको बहुत अच्छा लगा कि ये लोग हमारे लिए नाटक करते हैं और हम मुखिया बन जाएंगे। ऐसा है कि MLA के लिए भी हम तैयार हैं, अगला बार MLA के लिए भी हम खड़ा हो जाएंगे। अरे, नाटक करने वाला हमको जिता दे। बउआ, अब मेमेंटो लाए हैं, वो कहते हैं कंधा में लगाने वाला शील्ड लगा रहे क्या मुखिया जी? बहुत बढ़िया। चलिए भाई, जोरदार ताली बजाइए इनके लिए। हाँ, जरा फोटो इनका ले लीजिए, अच्छा से कल अखबार में छाप दीजिएगा, मुड़ी ऊपर कीजिए, हाँ खींचिए। अरे, इनका भी चेहरा आने दीजिए मुखिया जी। हाँ, हो गया। अब देखिए, फोटो आना चाहिए, मेरा है चाहे इनका है। अब ऐसा है कि इस बार MLA के लिए खड़ा हो रहा है, भारत डाल के एकदम निश्चिंत रहिए। तिवारी जी वो है, कौन तिवारी जी? प्रेम तरंग शाला के पीछे, टाक के पीछे रहता है, ऊपर है, चावल दाल का व्यवस्था कर देंगे तो भारत डाल का चिंकर नहीं है। और पेमेंट टूमेंट का है, अगला देशिया में MLA बन जाएंगे, कोशिश करेंगे। और हम चाहेंगे कि हमेशा मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे साथ नाटक कीजिए, पैसा का चिंता मत कीजिए। एक और मेडल, भाई जहाँ बोलेंगे वहाँ खिला देंगे, दे देंगे पार्टी, काहे टेंशन ले रहे हो? कब दोगे यार, भूख भी लगा, चलो इसको अभी। अब अभी तो नाटक खत्म, देखो अभी सब आया भी नहीं, देखो एक और आ गया, पार्टी दोगे ना? अरे हाँ भाई, देंगे पार्टी, काहे नहीं। अरे तुम बोलते हो, कभी देखते नहीं हो। अरे बता यार, हमको मेडल मिला रहा था मोना हॉल में जाकर फिल्म दिखा दी की पार्टी दल में इतना। अरे दिखा देंगे सनीमा, जो बोलेगा वो खिला भी देंगे, काहे इतना चिंता कर रहे? इस बार बोले ना पार्टी दे देंगे। पिछला बार थोड़ा हाथ तंगी था, हमेशा तुम्हारा हाथ तंगी रहता है, हमेशा तो यही बोलते हो, छोड़ो यार, इससे काहे गुस्साते हो? अरे इस बार पक्का पार्टी देंगे, समझे? और तुमको नहीं, पूरा टीम जो है ना हमारे लोकपंच का, सबको ले जाके सबको पार्टी देंगे, समझे? ठीक है, देखते हैं। कहाँ गया? पता नहीं कहाँ। और क्या था, हुआ क्या इसको? पता नहीं, देखो एक मिनट, हाँ देख के आते हैं। ए दीपेंद्र भाई, क्या हुआ? अरे देखो ना, बच्चा का बर्थडे है, पार्टी रखती है, पैसा नहीं है। पैसा नहीं है? अरे यार, पैसा तो मेरे पास भी है। एक उपाय हम करते हैं, हम सरेंद्र सर से बात करते हैं, वो तुम्हारी मदद कर देंगे, ठीक है? हम बात करते हैं। हेलो, हाँ सर, प्रभात बोल रहे हैं। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद भाई, तुम्हारा काम हो गया।
तुम प्रेमचंद में हो, प्रेमचंद के ऑफिस में होंगे सरेंद्र सर, वहाँ जाओ, वो तुम्हारी मदद कर देगा, ठीक है? तुम निकलो, मिलते हैं। अरे काम हो गया भाई, चलो एक चंपार में कल से। अरे भाई सुनो ना, अरे बहुत देर हो गया है बाबूजी घर में, बहुत डांटे हो गया। अरे कल दे देंगे पार्टी, बहुत देर हो गया। अरे बाबूजी डांटेंगे, चलो ठीक है, कल हम भी जा रहे हैं, ठीक है भाई। तुम भी खा लो, बाबू आएगा तो हम खा लेंगे। कहा प्रभात नहीं आया है क्या? ना अभी तक नहीं आया। कहाँ गया? अरे बता रहा था कि माज नाटक है, वो जरा देर से आएगा। नाटक है? हाँ। फिर नाटक नौटंकी करने लगा था? अरे अब काहे गुस्साते हैं जी, वो आएगा तो हम उसको समझाएंगे, समझ जाएगा धीरे धीरे। आपका समझेगा, समझ जाएगा। देख लो, तू कान खोल के सुन लो, अगर वो घर में घुस गया तो देखो हम ओकर कोर हाथ तोड़ देते हैं कि नहीं। नाटक नौटंकी हीरो बनेगा, बड़का हीरो बनेगा। अरे सुनिए मेरी बात, मेरा बेटा बढ़िया काम करता है जी, समाज के लिए काम करता है, आप तो चिढ़ाते रहते हैं। ए, समाज के लिए काम करता है इसने है, टिकटवा अंदर के कहने समाज के बेचे जाता है। समाज समाजे के चक्कर, तू बाहर निकलो कभी, देखो हमको समाज क्या क्या बोलता है। आपका बेटा नचनिया है तो आपका बेटा बजनिया है, आपका बेटा ई करता है, आपका बेटा वो करता है। दूसरा के हम नहीं जानते हैं, देख लो अगर घर में घुस गया तो हम उनका जान मार देंगे। खाएंगे नहीं, उसको जान से मार देंगे। देखो खाली ये देखो, नाम लिए शैतान हाजिर इधर आओ। कहाँ गया था तुम? नाटक था। मना किया ना तुम्हारा नाटक नौटंकी नहीं करने के लिए? अरे बाबूजी काहे इतना गुस्साते? देखिए आज मुखिया जी हमसे खुश हो गए, मेरा नाटक में हमको मेडल दिए हैं। हाँ मेडल जीत के लाया, तनि अपनी मम्मी के दिखा दे। देखो ये मेडल जीत के लाया बेटा, ये जो मेडल है ना इसको बेच के 2 रुपया का भूंजा भी हमको खिलाएगा तो हम जानेंगे मेडल जीत के लाए। तुम क्या करो, इसको खाना खिलाओ, आरती करो, तुम लोग घर में यही सब करते रहो। जब देखो गुस्साते रहते, पता नहीं क्या समझते। जाने दो बेटा, हम खाना लेके आते हैं, तुम खाना खा लो, बैठो ये। खाना खा लो, पता नहीं क्या समझते, जब देखो डांट देंगे, सुबह उठो तो डांट देंगे, नाश्ता और रात के खाना डांटे से खत्म होता है मेरा। खाना खा लो बेटा। नहीं खाना, खाना ले जाओ। तुम मेरी बात नहीं मानोगे? अरे नहीं खाना है, सुना दिए ना बाबू जी, भर गया पेट, लेके जाओ खाना। तुम्हारे बाबूजी तुम्हारे लिए नहीं बोलते हैं बेटा, जो ताली बजाता है, सामान देता है, नाटक करते हो तो उसे पेट तो नहीं चलेगा तुम्हारा, नहीं घर चलने वाला है। अभी सब नाटक नटंकी छोड़ो, कोनो दूसरा काम करो। अब तुम भी बाबूजी बन जाओ। अरे नहीं बेटा, हम तो समझा रहे हैं, हम समझा रहे हैं बेटा, बस और कुछ नहीं। हेलो अब जाओ, जाके सो जाओ। तब ना कोची कर रहे, बताइएगा तब ना। करना क्या है, ऐसे ऐसे कीजिए सुबह शाम हो जाएगा। ऐसे ऐसे करे, ऐसे ऐसे करेंगे तो कम हो जाएगा। वो जो मेहरारू जो है, जो हमको निमन निमन खाना खिलाती है स्वादिष्ट स्वादिष्ट, उससे भी कम हो जाएगा। हमें जो आप खाते हैं, अब हम क्या करें, नहीं खाते का बाहर खाए। अरे कहा पांडे जी, क्या हाल चाल है आपका? कहा पांडे जी, क्या हाल चाल? कहा बताएं आप लोग के, हम बहुत ज्यादा परेशान हो गए एकदम। परेशान? राइफल घोटाले ने आपका भी नाम आ गया है का?
एगो साइकिले हमरा है ओ कबो कबो हम चलाते कबो कबो हमर नौटंकी वाला बेटवा चला लेता। अरे महाराज उनके कहने का मतलब है राइफल नहीं राफेल घोटाला। अरे वो नहीं राजी कौन है राहुल गांधी चिल्लाते रहते हैं मोदी जी कौन घोटाला तो ये घोटाला है। हम सब नहीं सुनते हमारा अपने बेटा से तबाह है आप। अरे पांडे जी अरे आपका बेटवा से याद आया अरे उसको देखता है दिन भर कालीदास के बाहर खड़ा रहता है क्या करता है। कालीदास के बाहर तो प्रेमचंद के बाहर भी खड़ा रहता है। बेटवा को समझाइए नाटक नौटंकी से कुछ नहीं होने वाला पेट घर नहीं चलने वाला। बताइए यहाँ पे दुनिया अपने बेटा को इंजीनियर और डॉक्टर बना रहे है आप है कि नौटंकी करा रहे हैं। देखिए सुरेश सुरेश का बेटा रवि है ना सुबह सुबह तैयार होके बाइक से जाता है पढ़ने एगो अपना क्या महाराज बताइए पढ़ने जाता हूँ ना कुछ बनेगा जी सरकारी नौकरी मिलेगा आपका क्या होगा। वैसे होगा तो बेटवा का ब्याह शादी नहीं होगा कौन लड़की ब्याह करेगी। शादी शादी से याद आया आपके बेटवा के लिए वो रिश्ता आया था लेकिन यही का कोई आदमी कह दिया कि नाटक नौटंकी करता है। जरूर सुरेशवा होगा सुरेश ने तो हमारे जान के दुश्मन बना लेता हूँ। जान के दुश्मन कोची आप ही बताइए ना कोई नाटक नौटंकी अपन बेटी भी आएगा आप भी आइएगा। अरे नाटक नौटंकी वाला अपन पेट भरिए नहीं पाता मेरारे को क्या खिलाएगा। मन तो करता ना है मन तो कर रहा है कि तो ना बोले राइफल बा ओकरे से ओकरा गोली मार दे खोल। अरे अरे भाई अभी समझाइए समझ जाएगा पांडे जी भी एकदम क्या करेंगे हमेशा गाते रहते हैं। अच्छा माँ सुनो ना। हाँ बेटा बोलो। माँ एक तो काम था तुमसे। तो कौन काम है बताओ ना। माँ अपना एक तो साड़ी दो ना। साड़ी? अब साड़ी पहन के ना चनिया भी बनने लगा है ना। नाटक में साड़ी खाली पहनते थोड़ी है। तुमको पता भी है साड़ी से कितना काम करते हैं। कौन काम करते हो? साड़ी से हम लोग साफा बना लेते हैं। अच्छा? साड़ी का पगड़ी बना लेते हैं। साड़ी का धोती पहन लेते हैं। और तो और माँ साड़ी से हम लोग गंगा जी के नदी का पानी दिखा देते हैं। अरे वाह बेटा साड़ी से गंगा जी। हाँ माँ बेटा एक दिन हमको भी जरा नाटक वाटक दिखा देता तो हम जान जाते। अरे तो ये वाला नाटक होगा ना तो तुमको ले चलेंगे खाली बाबूजी को नहीं बताना। अच्छा ठीक है उनको नहीं बताएंगे ठीक है। खाली ना साड़ी मांग रहे हैं तो जाते हम लेके आते हैं ठीक है। ठीक है माँ। अम्मा हाँ बेटा बोलो। ये वाला साड़िया दे दो ना। ये तुम्हारे बाबूजी का पसंद का साड़ी है बेटा हम इसको बहुत कितना दिन से इसको रखे हैं। जानती हो माँ हम लोग ना रिहर्सल जो साड़ी चाहिए ना नाटक में एकदम वही कलर का साड़ी है इसीलिए मांग रहे हैं। दे दो ना माँ तुम चिंता मत करो एकदम आयरन करा के लाके दे देंगे वापस। एकदम ऐसे ही ला दोगे ना? आयरन करा देंगे तो इससे भी अच्छा सा आयरन करा के ला आयरन करा के ला दोगे। हाँ हाँ अच्छा तो ठीक है बाबूजी को नहीं बताना। ठीक है नहीं बताएंगे बढ़िया से ले जाना बेटा बढ़िया से ला देना। अरे एकदम चिंता मत करो माइकन मतलब अभी इसको ना आयरन करवा देंगे लाने का। आयरन करवा देना बेटा। ठीक है मैम जा रहे हैं रिहर्सल में। ठीक है ठीक है मैम। डायरेक्टर बनना बहुत बेकार काम होता है। डायरेक्टर बन के बैठे हुए हम आए हुए हैं लगभग 15-20 मिनट देखिए लड़का लोग नहीं आए एक एक करके समाएगा घंटा दो घंटा बाद। प्रणाम भैया। प्रणाम प्रणाम क्या लेट किया रे? अरे उत्सव जाम में फंस गए। हाँ माइक लग रहा है। हेलो चेक चलो देखते हैं और सब कब आएगा। प्रणाम भैया। प्रणाम प्रणाम बाल कटवा लिए ना तुम? अच्छा
पूरा भीग गया अभी बारिश से। अरे बारिश हुआ है तो भीगेगा नहीं, तो कहो कि टेम्परेचर नहीं घट रहा, आपके नीचे ही नहीं रहा है। प्रणाम भैया। प्रणाम प्रणाम। और सब कब आएगा वो? परवाते ना नहीं आया वो। मेन वही ना जी। बताइए। गाना उन्हें लीजिए ना भैया। गाना यही ना। अरे जब गाओ कुछ गाओ, हमसे डायलॉग्स करवा लो, गाना हमसे मत बोलना, गाने का गाओ कुछ गाओ। संजय भैया वाला गाना सुना दो। ए सजनी हो, ए सजनी हो, ए सजनी। तुम्हारा सजनी एकदम मेहरा गया, ठीक है ताजा रखो। गाओ। ए सजनी हो, सजनी हो, ए सजनी। हे सजनी, एकदम छटपट कैश में से। सनी मनी आता नहीं आता ना। आप गाइए ना भैया वो। ए सजनी हो, ए सजनी हो, ए सजनी। अपियावा गइले कलकत्तावा, ए सजनी। अपियावा गइले कलकत्तावा। अरे अपना नाटक के गाना तब न लेंगे जब तुम्हारा हीरो आएगा। एक तो बीमार है तो हमको बोल दिया चलो उसका हम प्रॉम्प्ट कर देंगे। मेन जो तुम्हारा प्रभात हीरो आएगा तब ना। आज जो गाते थे भैया वाला गाना गाइए ना। कौन गाना? गंगा जी वाला। यही बार। अच्छा सुना देंगे। ई कौन आया? क्या हुआ? क्या है? अरे चप्पल उप्पल लेके भागे का क्या रे? अरे कुंदनवा, कुंदनवा रे, वो बुला के भागे। क्या बात है बुआ? भैया हम भी नाटक करना चाहते। नाटक करोगे? इतना गर्मी तो नहीं है कि टोपी पहने हुए हो, नाटक करोगे? अरे आगे आओ। नहीं, हाँ नहीं, हाँ ना। नाटक क्यों करोगे? हम जाते रहते हैं तो देखते रहते हैं कि इधर सब नाश्ता गाता रहता है। अच्छा चलो ठीक है, तुमको नाश्ते गाते देखे तुमको अच्छा लगा। तुमको कुछ आता है नाचने गाने? कुछ तो आता होगा। नहीं आता। नहीं तो लगा रहा। यानी कि कुछ न कुछ आता है, कुछ भी कुछ गा दो, गुनगुना दो, यानी तो नाच के दिखा दो। नाच के? हाँ नहीं आता। हम कोई गाने गाते हैं उसमें नाच दो। अरे सिनेमा देखते हो ना, प्यार मोहब्बत वाला, लव वाला? वो जहांगीर के साथ नाटक गए थे जुड़ने के लिए तो। अच्छा जहांगीर के साथ जुड़े हो तुम? हाँ। हम सुने हैं कि वो छपरा ले गया, वहाँ छोड़ दिया, हाल चाल भी नहीं लेता लेकर पिका के। पता नहीं जहांगीर बुलाया था? हाँ बुलाया था। तो क्या बोला, क्या सिखाया? बोला कि आते रहो जाते रहो। अरे तुम बोला अपने संस्था में आते जाते रहो तो इन्हें कहा चला गया? ऐसा करो आना मत, तुम जाओ। बाबूजी क्या करते हैं? बाबूजी किसान है। किसान है? कहे गो भाई एक हो। बाबू ऐसा करो कि नाटक नौटंकी का प्यार मोहब्बत आदत छोड़ो, सबके बस की बात नहीं है, बहुत मेहनत करना पड़ता है और रोजी रोटी दूर दूर तक नहीं है। कभी रंगमंच में पैसा कौड़ी आएगा तो बुलाएंगे। जाओ बाबूजी का मदद करो, किसान बनो। जय जवान जय किसान। जाओ बाबू, जाओ जाओ जाओ। तो नहीं जुड़ेंगे? अरे जाओ बाबू, काम करो, पढ़ाई लिखाई करो। जी भैया। क्या ठीक किए ना? हम हमेशा ठीक करते। होता क्या है ना कि बाहर से लोगों को लगता है कि नाटक बहुत अच्छा है, लेकिन जब नाटक करना पड़ता है किस मुश्किल से किस दिक्कत से हम लोग करते हैं, हम लोग इस बाहर जाएगा बाबूजी का मदद करेगा, खेती किसानी करेगा, दो पैसा आएगा, लेकिन नाटक में आएगा कुछ नहीं होगा। चलो हाँ, तो कौन गाना बोल रहे थे? गंगा जी पारो पार। अरे यार वो गाना में ऐसी गुनगुनाते हैं। गुनगुना दीजिए। चलो तुमको मालूम है बहुत बड़ा बेताला बेसुरा है, अरे कोई संभालेगा? यही पारे आ रहा हो जिला वही पार छप राहो बिचवा बहेला गंगा धारणी हो रा बिचवा
आज थोड़ा लेट हो गया, जानते हैं रोज साइकिल से आते थे तो आज का हेलीकॉप्टर से आया है रे। अरे नहीं भैया, काहे लेट किया पहले साफ साफ बताओ। भैया रोज साइकिल से आते थे तो टाइम पे आते थे, आज पैदल आए तो देर हो गया। अरे पखलोल, कहला पैदल आया तुम्हारा 10-12 किलोमीटर 13 किलोमीटर दूर घर है, साइकिल है तो कहला तू पैदल आया। साइकिल बेच दिए। साइकिल बेच दिया, यहाँ खड़ा हो। साइकिल कहे बेच दिया? बाबूजी मोटरसाइकिल खरीद के दे रहे हैं। नहीं सर, सुनिए तो। सुनाओ, साइकिल कहे बेचा, जरा सुन लो। बार बार आप ही तो बोलते थे पिछला नाटक का पैसा बाकी है कालिदास में, दादा हमेशा बोलते रहते थे साइकिल बेच लिए और पिछला नाटक का जितना बकाया था सब चुका दिए। तो पगला बला है क्या रे? अरे पैसा नहीं था तो हम बोले सब लोग चंदा करके देगा, थोड़ा थोड़ा जमा करके तुम साइकिल बेच दिया। अरे भैया चंदा करके अगला नाटक भी तो करना है ना, अब पिछला का बकाया जब तक नहीं देंगे तो अगला कैसे करेंगे? अरे बाबू ऐसे नाटक नहीं होता है, घर से निकाल देगा माई बाप मार के। अब जो होगा देख लेंगे, नाटक करना जरूरी है, हम करेंगे। चलो रंगमंच में ही होता है, साइकिल बेच दिए। लेकिन अब तुम बताओ 12-13 किलोमीटर कैसे आओगे जाओगे? अब 1 घंटा पहले निकलेंगे ना, टाइम पे आ जाओगे। 1 घंटा पहले निकलोगे, 1 घंटा बाद घर पहुंचोगे। ऐसा करो विजेंद्र टैग को जानते हो ना, अरे घुंघरेला बाल वाला, तुम्हारे घर के पास उसका घर है, वहाँ से जो सिटी सर्विस चलता है उसका जो कंडक्टर है ऊपर जान पहचान के। अच्छा। हम टाक को बोल देंगे, वो कंडक्टर को बोल देगा तुम बैठ जाना, पैसा वैसा नहीं लेगा, ऑफिस में उतर जाना। ठीक है और टाक भैया मिलेंगे तो थैंक यू बोल देना, ज्यादा प्यार से नहीं बोला, बड़का इच्छा लगा अपने। चलो और रिहर्सल शुरू करते हैं। ऐसा करो साड़ी लाने के लिए किसको बोले थे हम? क्या हुआ? मम्मी बोली है कि नाटक नौटंकी में साड़ी नहीं देंगे। अच्छा मम्मी बोली है नाटक नौटंकी में साड़ी नहीं देंगे, इतने सुंदर पाथर लड़के को कहला भेज दी, तुम भी नहीं आते? भैया साड़ी हम लाए हैं। गुड, देखो देखो सीखो सीखो सबसे। एक छोटा सा काम देते हैं तो 10 को बहाना। लो रे वो वाला प्रॉम्प्ट करना है, पूनम वाला, ये पकड़ो, स्क्रिप्ट लो पकड़ो, थोड़ा थोड़ा पीछे आओ, स्लाइड करो, पकड़ो रे। ये मिक्स वाला है, वो विकास वाला हम प्रॉम्प्ट कर रहे हैं। कहाँ गया रे? चलो यहाँ रहना। ये मतलब दूर देश की कथा और अश्वत्थामा का जो मिक्स है वो वाला है, ठीक है? प्रॉम्प्ट करोगे ना? चलो हाथ तो क्या है, पहला लाइन बताओ। मेहरबान का दरबार कहाँ लिखा हुआ? हाँ ठीक है, चले हाथ तो मेहरबान कदरदान खोल कर सुनिए अपने अपने कान, हम सुनाते हैं दूर देश की दास्तान। सबको कसम है अपने अपने भगवान की, जो नास्तिक है उसको कसम है इस इंसान की, कोई भी अपने जगह से न हिले। एकदम स्टैचू, अच्छा ठीक है हिले तो दूसरे को बिना हिला हिले। हाथ तो मेहरबान कदरदान, रोटी देगा कौन तो बागर बिल्ला भगवान, पैसा देगा कौन तो उरांग उतांग महान। दीन क्या कहती है, सांस कैसे लेनी चाहिए, छींक आने पर कैसे नाक में रुई ठूस लेनी चाहिए, ऐसे सवालों से दूर हम लिए चलते हैं आपको एक ऐसे देश में जहाँ का निराला है दोस्तों, वहाँ का हर वासिंदा है अपने धर्म के नचे में चूर। तो करम मुनादी आते हैं अब दूर देश के चार सियान, भैया लोगों ने आके खोलो खोलो अपने अपने कान, दूर देश की कथा सुनाए अपना लेखक शेरू खान को। करम मुनादी आते हैं अब दूर देश के चार सियान, करम मुनादी आते हैं अब दूर देश के चार सियान, भैया लोगों ने आके खोलो खोलो अपने अपने कान, भैया लोगों ने आके खोलो खोलो अपने अपने कान, दूर
वो पहुंच गया महाभारत काल में और पहुंच गया अश्वत्थामा के पास। जब उसने देखा अश्वत्थामा की स्थिति, अश्वत्थामा निशस्त्र बैठा, क्या कह रहा अश्वत्थामा, ये मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का, जिसकी प्रत्यंजा खुद कुरुद्रोण ने चढ़ाई थी। आज जब मैंने युधिष्ठिर को देखा निशस्त्र दीन आंखों में आंसू भरे हुए, मैंने मरोड़ डाले अपने इस धनुष को, कुचले हुए सांप समायबद्ध शक्तिहीन, मेरा धनुष है ये, किसके बल पर लूंगा मैं प्रतिशोध पिता की निर्मम हत्या का। वन में भयानक इस वन में भूल नहीं पाता हूँ कैसे सुनकर युधिष्ठिर की घोषणा कि अश्वत्थामा मारा गया। शस्त्र दिए थे कुरुद्रोण ने रणभूमि में, उनको चेतनास्था युधिष्ठिर की वाणी में पाकर निहत्ता पापी दुष्ट तुमने अस्त्रों से खंड खंड कर डाला। भूल नहीं पाता हूँ मेरे पिता भी अपराजय युधिष्ठिर के अर्ध सत्य ने उनका वध कर डाला। धर्मराज होकर बोले नर या कुंजर मानव को पशु से पृथक नहीं किया उन्होंने, उस दिन से मैं हूँ पशु मात्र अंध पर्वर पशु, किंतु आज मैं भटक गया हूँ संधि गुफा में। सुनो तो सुनो, मैं तुम्हारा अश्वत्थामा कायर अश्वत्थामा शेष हूँ अभी तक, जैसे रोगी मुर्दे के मुख में शेष रहता है गंदा कप बासी धूप, शेष हूँ अभी तक। आपको घात कर लूं किंतु नहीं, अभी जीवित रहना है मुझे, मुझे खरीदना है अपनी साइकिल, मुझे खरीदना है अपना मोटरसाइकिल, एक एक को लेकर रहूंगा, ग्रांट आई चाहे नहीं आए अपने काम करके रहूंगा, अपने काम करके रहूंगा। बाबू जी आपको तुम्हारे मोहल्ला में वहां टेलर टेलर, सुनो चिंता मत करो रफू करवा देंगे पता नहीं चलेगा, रफू करवा देंगे, बाबूजी का पसंदीदा साड़ी था हमको रफू कर देंगे। अच्छा ठीक ठीक, ऐसा करते हैं हम लोग चंदा करके दूसरा ऐसा ही साड़ी खरीदेंगे, चंदा करके साड़ी खरीदेंगे, चंदा करके नाटक होता नहीं साड़ी खरीदेंगे। अरे तो क्या करें इसी स्थिति में तो नाटक करना है। सॉरी यार देखो तुम साइकिल बेच दिए कुछ कुछ प्रश्न, हम भी घर का कुछ सामान इधर, मतलब टेंशन नहीं मन नहीं लग रहा करना था करने। सुनो ऐसा करो यार हम लोग कुछ करेंगे, सॉरी आज रिहर्सल कैंसिल, आज रिहर्सल कैंसिल, चलो जाओ कल 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 आना कल आना कल आना, टेंशन कैसे नहीं ले जा रही, साइकिल बेच दिया है, हर आदमी के घर में कुछ ना कुछ समस्या है, सरकार को कोई मतलब नहीं सबसे, चलो जाओ 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 निकलो निकलो, हाँ जाओ, सॉरी 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 भाई सॉरी सॉरी सॉरी, क्या करोगे हम पहले दे दिए।
बाप रे कौन साइकिल नहीं लगा हुआ, साइकिल का किया जमीन में खजाना करा हुआ है, साइकिल का हुआ तोड़ दिया ना, तोड़े नहीं कोई के दे दिया ना, दिए नहीं है क्या बाबूजी, नाटक में पैसा का जरूरत था। हाँ था तो साइकिल बेच के पैसा दे दिए, साइकिल बेच के पैसा दे दिया। लड़का तो तुम देख रहे क्या किया है, कल साइकिल नाटक नौटंकी के चक्कर में ये बाप के बेच देगा, नाटक नौटंकी के चक्कर अपनी माई को बेच देना, नाटक नौटंकी के चक्कर में ये जो घर है एक बार बेच देना। लड़का तो हमको बाप रे बाप छीना दू कमार कर दिया, उन्होंने पता है ना बेचारा के। हम बोलते थे ना कि मेरा बेटा बढ़िया काम करता है, समाज के लिए काम करता है। आज तो मेरा नामे रोशन कर दिया। सुनो तुम पूजा पाठ करो, हम जा रहे हैं मिठाई लेकर आते हैं, चार पांच को के देखा हूँ के आते हैं ना। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। हे भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मर ये तो सही में इनका बेटवा है, प्रभात पांडे, पिता घनश्याम पांडे। अरे इसमें तो आपका भी नाम आया है, आखिर वो बेटा किसका भाई।
प्रेमचंद रंगशाला में बेहतर अभिनय करने के लिए पुरस्कृत किया गया। अरे प्रेमचंद ने कहा जी तो हाँ, नहीं, आप लाइए, आप बहुत ज्यादा बोलते हैं ना। देखिए बाप रे, मुखिया जी मेडल दिए प्रभात को, आज आपका नाम रोशन कर दिया, पूरा खानदान के नाम रोशन हो गया। बताइए कितना अच्छा लग रहा है। अरे महाराज, उधर नाम रोशन हो गया, इधर नाम बदनाम कर दिया। कौन? अरे नहीं तो सुरेशवा का बेटा रविया। हाँ? अरे पूजवा के साथ भाग्य महाराज। अब बताइए, लोग का गधा सुबह सुबह तैयार होके बाइक से जाता है पढ़ने, हाथ दूसरे फेरा में लड़कियों के फेरा में रहता था ही लड़का। बताइए, अच्छा केकर फोटो आ जाया है, रबिया क्या आया है, रबिया का फोटो आया है कि हमारे बेटा प्रभात का फोटो आया है। चलिए ठीक है, हम जाते हैं। पार्टी उटी मिलेगा पांडे जी, शाम में चाय दुकान पे मिलेगा। ठीक है ठीक है ठीक। अरे नाम रोशन कर दिया हम लोग का। कहाँ से देंगे पार्टी? साइकिल पे के बाबूजी से खिसी आए हुए हैं, पार्टी चाहिए इनको। जब देखो पार्टी, बताओ क्या करना है, ऐसे कैसे हो? ओ लड़का लोग, प्रणाम भैया। प्रणाम भैया, ड्यूटी चल रहा है ना? आप तो सब जानवे करते हैं फिर भी। अरे जानने के बाद की बात है, हमेशा तुम लोग का ग्रुप का देखते हैं, जो कर अखबार में फोटो, कर अखबार में फोटो। खाली फोटो ना आता भैया, पैसा कहाँ मिलता? मतलब नाटक करोगे पैसा के लिए? वो पता है ना, नाटक समाज सेवा है, समाज के लिए कीजिए, समाज आपके लिए नहीं करेगा। अरे भैया तो पेज चलेगा तब तो समाज सेवा करेंगे। ये बात सही है, लेकिन ये बात हमारे सीनियर लोग को सोचना चाहिए, जो सतीश आनंद है, संजय भैया है, और भी कई गो भैया है। हाँ तो आप ही लोग बताइए, आप ही तो सीनियर है, कुछ बोलिए क्या। हम सीनियर नहीं है, हम जूनियर वाला में सीनियर है। अभी आप लोग आंदोलन करें तो क्या है, जैसे वो सवंजारू सब कर रहा था। हाँ वैसे ही हम लोग फिर से करते हैं एक बार। अरे हम लोग आंदोलन करेंगे, सब भैया लोग सीनियर लोग करेंगे, हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब तुम लोग को चाहिए कि भाई नाटक नोटिंग में तुम पैसा भी आए। हाँ बिल्कुल, चलो खड़ा हो जाओ, यहाँ का मंच तुम लोग का भींगा हुआ है। सही बात कह रहे हो। होता क्या है ना कि ये जो समस्या है रंगकर्मियों का, हम लोग ध्यान नहीं देते। और सिंपल एक कहावत है कि जब तक बच्चा रोता नहीं है, मतारी भी दूध नहीं पिलाती। सही बात है। अभी तुम देख रहे हो सीबीएसई के सिलेबस में स्कूल में टीचर रखा, नाटक का टीचर है। अच्छा। तो तुमको लगता है कि अगर तुम्हारा मुद्दा सही है, तुम बाहर मत जाओ, अपने ही 10 लड़का 20 लड़का तुम्हारे संस्था का है, तुम लोग आगे बढ़ो, शुरू करो, धीरे धीरे लोग आएंगे। हम क्या करेंगे, पटना के कालिदास संग्रहालय में खबर कर देंगे, प्रेमचंद में सबको खबर कर देंगे, बेगूसराय में कर देंगे, और बाकी जो लोग इस नाटक का पढ़ाई कर चुके हैं, पता है कौन कौन लड़का है, रोशन है, समीर है, और भी कई लोग हैं, दाढ़ी वाले को रहते हैं प्रेमचंद रंगशाला में। हाँ, क्या नाम है? अरे सनत बाबा। हाँ, हाँ। सनत बाबा, वो सब डिग्री लिए हुए हैं। इन सबको खबर कर देंगे, तुम लोग अपना आंदोलन शुरू करो, धीरे धीरे तुम्हारे आंदोलन में लोग आएंगे, बात आगे बढ़ेगी। तो आज नहीं तो कर सरकार सोचेगी। हाँ तब ये करते हैं ना। तो तुम लोग तैयार हो? हाँ मैं तैयार हूँ। तुम लोग तैयार हो तो शुरू करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। लागू करो, नाट शिक्षा पाठ्यक्रम में लागू करो, लागू करो, लागू करो, नाट शिक्षा पाठ्यक्रम में लागू करो, लागू करो, लागू करो।
शिक्षक बहाल करो। दोस्तों आपको हम बता दें कि नाटक शिक्षा कई दिनों से यहाँ जमे हुए हैं, ये आजादी के साथ जीना चाहते हैं, समाज के साथ अपने परिवार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलना चाहते हैं, अपनी आजादी के लिए अपने हक के लिए ये सड़कों पर डटे रहेंगे। आपसे निवेदन है, अगर आपको लगता है कि हमारा मार्ग सही है तो आप सब स्वागत है, आप सब हमारे मंच पर आइए, हम अपनी आजादी के लिए डटे हुए हैं। आजादी ही आजादी, बस आजादी ही आजादी, आजादी ही आजादी, बस आजादी ही आजादी, आजादी ही आजादी, बस आजादी ही आजादी, आजादी ही आजादी, बस आजादी ही आजादी। मेरे भैया मांगे आजादी, मेरी बहनें मांगे आजादी, मांग के लेंगे आजादी, लेके रहेंगे आजादी, बस आजादी ही आजादी, बस आजादी ही आजादी, आजादी ही आजादी, बस आजादी ही आजादी, आजादी ही आजादी, बस आजादी ही आजादी, आजादी ही आजादी, बस आजादी ही आजादी। हम लेके रहेंगे आजादी, हम लड़ कर लेंगे आजादी, हम मर कर लेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, बस आजादी ही आजादी, बस आजादी ही आजादी, 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 आजादी ही आजादी। हमारी ये मांग, हमारी ये डिमांड जब तक हमें नहीं मिलती हम इसी तरह सड़कों पर डटे रहेंगे, अपनी मांग को लेकर के पूरे बिहार के रंगकर्मी कलाकार इसी तरह सड़कों पर डटे रहेंगे। आजादी ही आजादी, बस आजादी ही आजादी, आजादी ही आजादी, बस आजादी ही आजादी, आजादी ही आजादी, बस आजादी ही आजादी। नाटक नहीं आंदोलन है। धन्यवाद। अब आप प्रेक्षागृह में जाइए, नाटक देखिए आराम से एक एक करके। यहाँ इस प्रेक्षागृह में आने के लिए, हमारा नाटक देखने के लिए सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुभ रात्रि। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मनीष महिवाल, लोकमंच, पटना। इस नाटक के बारे में बताइए मनीष भैया। ये नाटक यही है कि हम रंगकर्मी कलाकार जो सालों सालों से लगातार पूरा जीवन दे देते हैं, नाटक करते हैं, लेकिन सरकार और समाज की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिलता है। ये नाटक ये डिमांड करती है, ये मांग करती है कि स्कूल कॉलेजों में नाटक की पढ़ाई हो, नाट शिक्षक की बहाली हो। ये होने से समाज साफ सुथरा और स्वच्छ होगा। नाटक यानी कि अभिनय लोगों को स्मार्ट बनाता है, बोल्ड बनाता है। ये हम रंगकर्मियों का, हमारी संस्था लोकपंच का आंदोलन है। ये हम जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाती हम अपनी मांग के लिए सड़कों पर उतरते रहेंगे, नाटक और गीत गाते रहेंगे। क्या लगता है आपके इस संघर्ष का रिजल्ट कब तक मिलने का चांस है? कुछ इसमें आगे काम बढ़ा है? हाँ, काम बढ़ा है। एक हमारे कोई बड़े सांसद ने आश्वासन दिया है कि जिस तरह खिलाड़ियों को खेलने के लिए वो LDC के द्वारा वो नौकरी में जगह मिलती है, तो रंगकर्मी नाटक करने वाले को भी जगह दिया जाएगा। बिहार की नौकरियों में संस्कृति कोटा होना चाहिए? बेशक होना चाहिए, सारे राज्य में है, लगभग दो चार राज्य छोड़ करके सभी राज्य में कोटा है, तो बिहार में क्यों नहीं, यहाँ भी होना चाहिए। बात यह कि इसके पहले किसी ने मांगा नहीं, किसी ने डिमांड नहीं किया, अभी हम लोग डिमांड कर रहे हैं। आशा करते हैं कि बिहार सरकार इस पर बहुत जल्द एक्शन लेगी, और नीतीश कुमार बातों को सुनते हैं, बातों को समझते हैं, बहुत आशा है अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से। और व्यूअर, आप लोगों से भी उम्मीद है, आप ये पूरा वीडियो देखे होंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है, क्योंकि आप लोगों का मनोरंजन भी हुआ होगा, साथ ही जो रंगकर्मी है उनकी परेशानी से भी आप रूबरू हुए होंगे। किस तरह साइकिल बेचकर भूखे रहकर लोग नाटक करते हैं, समाज में को सुधारने के लिए, समाज में अपना एक योगदान देने के लिए नाटक करते हैं, तो आप भी, आपसे भी उम्मीद है कि आप सहयोग करेंगे और जितना मैक्सिमम हो सकेगा इस वीडियो को आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, क्योंकि कमेंट करने से मेरा हौसला बढ़ता है। ये मनीष महिवाल हैं, आप अगर YouTube पे अगर इनको खोजेंगे मनीष महिवाल के नाम से तो इनका YouTube चैनल मिल जाएगा, और ये पिछले 18 साल से ETV में कार्यरत है। जनता एक्सप्रेस आप लोगों ने देखा होगा, मैं भी उसका कभी हिस्सा था, मैं उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर और कोऑर्डिनेटर के रूप में काम करता था। आज जनता एक्सप्रेस ने 18 साल पूरा किया है और उसी के लिए मनीष भैया आज हमको बुलाए थे, तो आप इनका चैनल भी देखें, और अगर आपको इनका चैनल अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे,
तो सब्सक्राइब कीजिए। हम तो कहेंगे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगे चैनल लगे, लेकिन आपका एंटरटेनमेंट उस चैनल के माध्यम से होगा, ये मेरा विश्वास है। मेरा चैनल तो आप देखते ही हैं, चाहे देश हो विदेश हो, हर जगह लोग देखते हैं। तो एक कोशिश है एक स्वस्थ मनोरंजन और कलाकारों की परेशानी आप तक पहुंचाने की। अभी तक हम बिहार का विकास आपको दिखा रहे थे, आज हम कलाकारों का जो परेशानी है, मैं भी कलाकार हूँ, हमारी जो परेशानी है वो आपको दिखा रहे हैं। तो मिलेंगे फिर किसी अगले वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। तो इंद्रसेन का, मनीष भाईवाल का प्यार भरा नमस्कार, जय भारत, जय भारत।